वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। बहनों व भाइयों, ग्राम पंचायतों की तरह पंचायत समितियों व जिला परिषदों के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाएंगे। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया, अर्थात 33% महिला पंच सरपंच प्रधान प्रमुख बन सकेंगे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी जनसंख्या के प्रतिशत में पद आरक्षित रहेंगे। पिछड़ी जाति के हेतु भी राज्य सरकार ने आरक्षण किया है। राज्य वित्त आयोग गठित होगा, जो संसाधनों को देखकर पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार के करों की आय का हिस्सा दिलाने की सिफारिश करेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम 1959 को समाहित कर तथा 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधानसभा में नया पंचायती राज अधिनियम 9 अप्रैल 1994 को पारित किया गया, जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के पश्चात 23 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू हो गया। हमारे देश विशेषकर राजस्थान में पंचायती राज की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? यह प्रश्न आज हमारे मन में कौंधता है। आज पंचायती राज इसलिए आवश्यक है कि इससे प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता बढ़ेगी, इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी, गांव की आवश्यकता के अनुसार विकास योजनाएं बनेंगी, योजनाओं का क्रियान्वयन सब लोगों के सामने होगा, लोकतांत्रिक पद्धतियों में प्रशिक्षण पाने और जनतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा, ग्रामीणों का उत्तरदायित्व बढ़ेगा तथा इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की प्रभावकारी सहभागिता से राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक खाई पटेगी। विकास संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा सामाजिक कुरीतियां मिटेंगी। लोगों में सहयोग और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। इससे ग्रामीण सुंदर जीवन सुंदर और सुखी बनेगा। गांव की समृद्धि देश को गरिमा व शक्ति देगी और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों का, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व देने में विशेष ध्यान रखा है। राज्य के पंचायती राज इतिहास में इस बार उपरोक्त वर्गों के जनप्रतिनिधि अधिक मात्रा में निर्वाचित होकर आए हैं। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे सभी वर्गों को समान रूप से इन संस्थाओं में
भागीदारी मिलेगी, विशेषकर महिलाओं को जो लोग चुनकर आए हैं। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वे अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र के विकास के लिए तन मन धन तथा पूरे मनोयोग से काम करें और अपने क्षेत्र की खुशहाली तथा उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहें। केंद्र सरकार पंचायतों के उत्थान के लिए पूरी तरह से सभी राज्यों को यथाशक्ति मदद देगी। देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। स्टॉप।